हेलो 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 एवरीवन। अभी तुम लोग ने मेरे को देखा होगा, मैं एसी वेसी चालू कर रहा था। हाँ यार, बारिश के टाइम पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो रूम में प्रॉब्लम होती है। हेलो गाइस, कैसे हो कैसे सब? आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, सब ज्वाइन करो। अभी 18,000 22,000, वाओ बहुत सारे लोग हैं गाइस। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। मेरे साथ दो बहुत ही स्पेशल लोग, वन ऑफ माय फेवरेट पीपल, आज मुझे ज्वाइन करने वाले हैं। एंड जब तक मैं उनको ज्वाइन करवाऊं, मैं देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग गेस करो कि कौन कौन है। एक बहुत ही लेजेंडरी एक्टर है, हम सबके फेवरेट है, और हम सब उनकी इंप्रेशन करना चाहते हैं, हम सब उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो एक बहुत ही लेजेंडरी एक्टर है, एंड सेकेंड जो गेस्ट है, शी इज सो प्रिटी, शी इज सो ब्यूटिफुल, एंड उनकी अभी मूवी आई है, दोनों की मूवी आई है, एंड शी इज डूइंग ट्रेमेंडसली वेल। आई थिंक जो इनकी ये मूवी है, आई थिंक उनके करियर की बेस्ट मूवी है, एंड शी इज आउटडिड हर सेल्फ, एंड उनका अभी अभी बर्थडे था। तो आप गेस कर सकते हो कि मेरे साथ कौन दो लोग आ रहे हैं। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। तो लेट्स सी, मेरे को उनका रिक्वेस्ट आया है कि नहीं। ओके ओके, एंड द वेरी फर्स्ट पर्सन दैट इज पंकज त्रिपाठी सर। ओ माय गॉड, एनी मोमेंट सर अभी ज्वाइन करने वाले हैं। पंकज सर, सोचू मुझे पंकज सर की लाइव। अरे पंकज सर कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। मैं बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ। सर आप कर लो सर, एडजस्ट कैमरा एडजस्ट कर लो। मैं सर सेकंड पर्सन को भी लाइव ले रहा हूँ, एंड वी हैव अनदर वेरी अमेजिंग पर्सन, वेरी टैलेंटेड, पंकज त्रिपाठी सर एंड कृति सारन। हेलो 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 हेलो। आप दोनों की मैंने तारीफें की, आपने देखा? हाँ ये पंकज सर, आप अभी भानुकम और बच्चन पांडे के कैरेक्टर ज्यादा लग रहे हो मुझे। हाँ मैम, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। गो लाइव विथ आशीष और डिक्लाइन, मैं कैसे दिखू? मुझे कोई नहीं दिख रहा है। सर आप लो लाइव हो, आपको दिख नहीं रहा है? मुझे नहीं दिख रहा सर, मतलब सिर्फ आवाज आ रही है आपको हमारी। हाँ एक मिनट रुक। 1,17,000 लोग लाइव है बाय द वे। ओ गॉड, ही लेफ्ट, आई थिंक ही डिक्लाइंड। No, I don't think he could see. वो मेरा भी पहले decline आया था, उसके बाद आया था। I'll try joining him again. पंकज सर, अगर आप अभी ये लाइव देख रहे हो तो सर प्लीज सेंड मी द लिंक बैक। Till then I'll converse with Kriti. Kriti, hi, how are you? Good, how are you doing? I'm absolutely fine. I'll be very honest with you. मैंने बस first half देखा है अभी तक फिल्म का, but I already think it's your career's best film. मतलब मैं क्या बोलू, मतलब इवन द ट्रेलर, जब ट्रेलर ही आया था ना, वो ही इतना बढ़िया था। मुझे लगा था कि पिक्चर में बहुत सरप्राइजेस होंगे, एंड दैट सर आ गया सर वापस। मुझे दिख नहीं रहा है तो मेरा फ्रेम करेक्ट है मुझे? सर मस्त लग रहा है सर आपका फ्रेम, वो ठीक करो ना। नहीं मेरा क्यों नहीं जा रहा है? मुझे वो गो लाइव विद आशीष और डिक्लाइन दोनों का ऑप्शन आधे स्क्रीन पे, गो लाइव नीचे जा करने से जाए, लाइव पे क्लिक करो सर। बड़ा लग रहा है, गो लाइव विद आशीष चंचली पे क्लिक करो, वो आप पे जो लिखा आ रहा है ना, यही होता है यार। ये नॉन इंस्टाग्राम आदमी इंस्टाग्राम पे आए ना। आपके सामने क्या आ रहा है अभी बताओ मुझे? कुछ नहीं आ रहा है, एक स्क्रीन आ रहा है जिसमें लिखा है गो लाइव विद आशीष और उसके नीचे लाल रंग से लिखा है डिक्लाइन। तो गो लाइव पे करिए, क्लिक करिए उसको, गो लाइव पे क्लिक करो सर। कुछ छोड़ दो अभी कृति जी। हुआ कुछ? हुआ सर कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलो मैं अनुमान, मैं दिख रहा हूँ ना, मुझे आप लोग नहीं दिखो। आप सर अनुमान लगा के बात करेंगे सर?
यस यस कि ये अजूम करके कि मैं दिख ही रहा हूं, मुझे 120 के लोग दिख रहे हैं, कोई नहीं हाँ चलेगा। सर, 1,20,000 लोग इस वक्त लाइव है, कॉन्करेंट व्यूअर्स है। आई थिंक ये अभी तक का हाईएस्ट है मेरे लाइव स्ट्रीम का। आप लोग के इतने फैंस हैं यहाँ पे, सो माय फैंस प्लस कृति सैनन फैंस प्लस पंकज सर के फैंस, हेलो एवरीवन, आई एम हियर टू कॉन्वर्स फॉर द फिल्म मिमी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू विश कृति सैनन अ वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे कृति, थैंक यू सो मच। गॉड गॉड ब्लेस यू विद इवन मोर सक्सेस, एंड आई थिंक मिमी विल टेक यू इवन अ फार अहेड। एंड लेट्स लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पंकज सर, कृति, हाउ वाज इट शूटिंग दिस? मतलब कुछ कुछ इनसाइड गॉसिप दो आप मेरे को, मतलब आप दोनों का, मैंने जो कैमराडरी है, जो आपका जो केमिस्ट्री है ऑफ दिस अमेजिंग फादर डॉटर टाइप रिलेशनशिप का केमिस्ट्री मैंने बरेली की बर्फी में देखा था, मैं तब से ही बहुत मुझे वो वाइब आया। हाउ वाज इट इन दिस फिल्म, कैसा लगा आप दोनों का वो? इस फिल्म में तो बहुत ही अलग केमिस्ट्री है हमारी। हमारा हमारी जो रिलेशन है उसकी खासियत ये है कि आप उसको कोई नाम नहीं दे सकते हैं, और शुरू हाँ सेल्फिश रीजन से हम लोग दोनों जो हैं इस काम में घुसते हैं, और कैसे हमारा रिलेशन जो है वो पूरे फिल्म में धीरे धीरे बदलता है टू एक्चुअली अ वेरी वेरी प्योर ह्यूमन इक्वेशन। यू नो दे आई मीन वी फाइट, आई थ्रो थिंग्स एट हिम, देर इज अ वेरी नाइस इमोशनल मोमेंट, वी स्टैंड अप फॉर ईच अदर इवेंचुअली, बहुत प्यारा इक्वेशन है। आई थिंक ऐसा इक्वेशन बहुत कम मिलता है। एंड पंकज सर तो बरेली की बर्फी में थे, लुका छुपी में थे, अभी मिमी में मेरे साथ, बच्चन पांडे में भी मेरे साथ हैं, तो हमारा थोड़ा सा मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके पैकेज डील हो जाएगा शायद। ओ वाह, बच्चन पांडे भी, राइट? मतलब ऐसा वो ट्रायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी है ना पूरा। हाँ पंकज सर ऐसे, हाँ थर्ड फिल्म है। हाँ मुझे लग रहा है मेरे पास कम लाइटिंग है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो ऐसा कुछ बड़ा फिल्म ही आ रहा होगा। मैं नहीं छोटी से सर, लाइट में बैठ, ये सर कोई बहुत फिल्म ही, के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। क्या पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। बस किसी दिन लक खराब रहती है तो ऐसा होता ही है, आपकी मतलब वाइफ कितना वो बता देंगी आपको। हाँ पूछू। आप पूछ के पूछ के पंकज सर, हमें इसमें मजा आ रहा है। चलो लेट्स लेट्स सॉल्व दिस इंस्टाग्राम ग्लिच, वील गाइड यू। हाँ हम गाइड करते हैं आपको। बुलाओ ना, बुलाओ ना, आप बुलाओ। पूछू। क्या यार, दोस्त हम इस दुनिया के आदमी नहीं है ना, मतलब इस, ए पूछू ये 1 मिनट, ये बता तो ये कैसे ठीक होगा। सर आपका हाउस होम होम टूर भी मिल रहा है हमको। हाँ अरे वाह, ये कैसे आएगा ये तस्वीर, ये गो लाइव विद आर आशीष। यू सो कंफ्यूज? अरे भाई नहीं हो अरे रहा है आप लाइव हो? हाँ तो अभी सोच समझ के बोलना जो आप बोल जो, थैंक यू सो मच, इसको, ये भी नेसेसरी। अरे यार फिर चले गए सर, आ जाएंगे आज, फिर आ मत जाएंगे। बोलो। सॉरी He was calling a puchu, okay, which I initially thought puchu. I said पूछू, puchu. बट He's ही सो क्यूट, राइट? इट वाज सो क्यूट, पैसा just वसूल, simple. See, simplicity I feel is very, very endearing. बट कृति यू आर आल्सो वेरी हम्बल, यू नो आई एम आल्सो एन इंजीनियर बाय द वे, आई हैड टू कम ऑन दिस पॉइंट। यू आर फ्रॉम EXTC, राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, EXTC। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईसीई। ओके, सिविल, सिविल इंजीनियरिंग। यू आर मेकिंग अस प्राउड, अमेजिंग, आई एम नथिंग मेकिंग मेक्स। यू इन 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 दिस फील्ड व्हिच हैज नथिंग टू डू विद बीटेक। बट यू नो हाउ इट वॉज, एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड यू नो वी फाउंड समथिंग एल्स अदर देन इंजीनियरिंग। ट्रू दैट, ट्रू दैट। मैंने सर को वापस लिया है अभी, आनी आई थिंक उनका मेरे को रिक्वेस्ट भी नहीं दिखा रहा है। आई विल ट्राई अगेन। कृति कैन यू चेक इफ यू आर गेटिंग हिज रिक्वेस्ट, इज इट पॉसिबल? I will, honestly. No, I don't think I will get a request because it's on your handle, right? I'll try again. I'm so sorry. Just give me
मिनट ना, ये लास्ट मोमेंट ही प्रॉब्लम। अरे सर आ गए, सर आ गए, सर अभी दिख रहे हैं हम लोग? नहीं दिख रहे हमको, नहीं दिख रहे, चलो ऐसे ही बात कर लेंगे। मैं, मुझे सुनाई सब दे रहा है, आपने पॉडकास्ट बात की थी ना, तो ये ऑडियो पॉडकास्ट है मेरे लिए। चलो बहुत सुंदर ऑडियो और दो लोगों के लिए वीडियो है। हाँ ओके, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वी हैव टू टेल पीपल कि कृति सानन और पंकज सर की न्यू मूवी आई है मिमी ऑन नेटफ्लिक्स बाय मैडॉक फिल्म्स। इट्स एन अपकमिंग फिल्म, सॉरी, जियो सिनेमास पे भी देख सकते हैं आप और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है उस पे देख सकते हैं। दो प्लेटफॉर्म पे प्लीज जाके देखो, बढ़िया फिल्म है, बहुत ही अच्छे इंटेंशन से बनाई गई फिल्म है। अगर आप पिक्चर का, मैं तो बोलता हूँ पिक्चर का ट्रेलर मत देखो, सीधा जाके आप मिमी मूवी देखो, मतलब विदाउट वॉचिंग द ट्रेलर अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो उसका जो मजा है, जो जो पिक्चर में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है। आप ट्रेलर देख के भी देखेंगे तो भी, ये इसने फर्स्ट हाफ देख रखा है ना, इसको पता नहीं सेकंड हाफ क्या होना है। नहीं नहीं मतलब मैं आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल दैट यू नो हैव दैट मूवी एक्सपीरियंस, यू नो दैट दैट वर्जिन आईज ऑल एक्सपीरियंस दैट यू गो इन विदाउट वाचिंग अ ट्रेलर, यू विल इवन एंड अप लविंग इट मोर। एंड मैंने पंकज सर सिर्फ सेकंड हाफ अभी तक मिस किया है, बट अभी तक जो मैं देख रहा हूँ इट्स आउटस्टैंडिंग, आई एम लविंग इट। सर कुछ प्रीति सर मैं हां सॉरी cuz I can't see him now. I can see him, but I think I'm seeing a screen that's frozen. Pankaj sir, hello? He's not there in my screen. He pehli baar ho raha. I think he's not. I can see him. And you know what? It looks like he's creepily staring at me. He's creepily staring. Like, Ashish, ye mujhe kahan phansa gaya hai? I'll try it again. Just send him a request again, maybe. I'll try again. Invite to join, and it's weird. I can see him, but I am still getting a. I don't know. The last moment Instagram ke glitches kyu hote hain? Not there. I have sent him the request again. Pankaj sir ko boliye Insta ka app close karke, then again join kare Insta ko open karke. अच्छा, ये public ki help kar rahi hai hamari. पंकज सर देख रहे हो? पूछू जी से कहिए कि सर दिखता है नहीं दिखता? पंकज सर ज्वाइन तो हुए हैं, मेरे को ज्वाइन तो दिखा रहे हैं। नहीं अभी आ गए। पंकज सर आपको हम दिख रहे हैं? नहीं मुझे सुनाई दे रहे हो आप लोग? आप एक काम करो, ये सजेशन दिया है कि आप अपने फोन में ना इंस्टाग्राम का ऐप एक बार बंद करो, ऐसे ऊपर स्वाइप करके उसको बंद करते हैं और फिर नहीं तो हमारा पूरा लाइव इसी में निकल जाएगा। पूरा लाइव, इसे हम मीमी नहीं, इसे हम इंस्टाग्राम ग्लिच लाइव देते। एंड आशीष अंलानी एंड कृति सर एंड ट्राइंग टू हेल्प पंकज त्रिपाठी, न्यूज़ में आ जाएगा। सो क्यूट, व्हाट एन इंस्टाग्राम लाइव वीडियो। मैं सुन रहा हूँ, चलो चलो बात कर ले, कोई नहीं मेरे से होगा नहीं है। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक बार पब्लिक से पूछ रहे थे, गाइस कैन यू सी पंकज सर? मेरे को तो सर दिख रहे हैं लेकिन एकदम फ्रोजन, एकदम मुझे भी दिख रहे हैं अभी, तो मुझे प्रॉपर दिख रहे हैं अभी, किसका प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं पता। पता नहीं, चलो सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म। कृति, आई कैन सी इन द फिल्म दैट यू हैव वर्कड वेरी हार्ड। व्हाट वाज डिफरेंट फ्रॉम बिफोर फिल्म्स? यू नो यू वेंट इनटू लाइक अ लॉट ऑफ रिसर्चिंग और यू वेंट इनटू लाइक अ लॉट ऑफ वर्कशॉपिंग, मतलब व्हाट वाज इट? आई सॉ अ लॉट ऑफ चेंज। ऐसा नहीं होता है कि एक फिल्म के लिए हम ज्यादा मेहनत के लिए कम करते हैं। हर फिल्म जो है आप उसके लिए उतनी ही मेहनत करते हैं। कुछ कुछ फिल्में जो है वो आपको इतना देती हैं करने को एज एन एक्टर कि आप और ज्यादा घुस जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि आपको इतना मौका मिल रहा है, आपको बहुत कुछ करने का एज एन एक्टर। सो वहां पे शायद लगता है कि अरे यू नो क्या करा है, बिकॉज देयर इज मोर स्कोप। ज्यादा कुछ करने को नहीं मिलेगा, एक सिंपल सीन होगा तो फिर वो सिंपली ही करूंगी, देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। तो इसमें ये है कि यू नो इट्स अ फिल्म दैट दैट वाज मोर ऑन माय शोल्डर्स, दैट देयर हैड मी इन एवरी सिंगल फ्रेम ऑफ इट। तो और ये लड़की मिमी जो है वो कहीं से शुरू होती है, कहीं तक जाती है। वो शुरू में शी इज दिस स्पंकी सैसी ऑलमोस्ट वेरी नाइव गर्ल जिसे सर
क्या है नहीं मालूम है, वो बोलती है मैं फट से बच्चा रखूंगी अपने अंदर 9 महीने और फिर फट से निकाल दूंगी, दैट्स वो फट से जब निकलता है तो व्हाट शी गोस थ्रू एंड मतलब ड्रीम्स है उसके, एक्ट्रेस बनना चाहती है और रणवीर सिंह के पोस्टर से बातें करती है, वो वैसी लड़की है, वो बहुत शी इज अ गर्ल यू नो, एंड हाउ व्हेन शी गेट्स इनटू दिस देन शी हाउ शी ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ वुमन यू नो आफ्टर हर प्रेगनेंसी एंड व्हाट ऑल शी गोस थ्रू, देयर वाज सो मच फॉर मी दैट यू नो इट काइंड ऑफ राइटिंग एंड आई That's why I was a lot more passionate about it. And मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिल्म बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर हूँ एज यू नो, सो माई ओनली लर्निंग ऑन द जॉब, मैंने जो सीखा है वो फिल्म सेट पे, और मेरी हमेशा कोशिश है कि मैं हर फिल्म से अपने आप को किसी ना किसी तरह से बेटर करूं एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन यू नो एंड लर्न समथिंग एंड मूव अहेड, द ओनली वे इज टू इवॉल्व यू नो, अदरवाइज यू विल बिकम द सेम पर्सन द सेम एक्टर, सो यू हैव ग्रोइंग विद एवरी फिल्म एंड दैट्स व्हाट आई हैव अटेम्प्टेड. इट कैन गेट मोनोटोनस आफ्टर अ पॉइंट एंड आई थिंक यू यू नो आई सॉ दैट यू ट्राइड टू चेंज. हां सर आ गए, सर मेरे को भी आप दिख रहे हो, थैंक गॉड. तो सर हम वही बात कर रहे थे कि सर आपको ऐसा नहीं लग रहा सर मिमी देख के, सर कृति ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस पिक्चर में, मुझे ऐसा लग रहा था जी जान लगा दी है, मुझे ऐसा फील हुआ बिल्कुल था, मतलब बिल्कुल तो आपको सही फील हुआ जो आपको और सर जो आपने देखा है एज एन एक्टर कितना ग्रो हो गई है अभी. बिल्कुल बिल्कुल बहुत ग्रोथ हुआ है, देखो ना देखो कैसे दिख रहा है. बहुत बहुत खुश. मुझे याद है कृति बोल रहा हूँ और जेन्युइन बोल रहा हूँ, मस्ती मजाक पहले कर रहा था मैं हीरोपंथी में बहुत कम फिल्में देखता हूँ, बट हीरोपंथी देखा था क्योंकि पूछ मेरी बेटी को देखना था, ये जिससे अभी ठीक कराने गया था ये प्रॉब्लम. सो वहां से यहाँ तक आपकी जर्नी देख रहा हूँ, बहुत ही कमाल है, बहुत ही अद्भुत है, जो क्राफ्ट पे आपने ग्रोथ किया है, काम किया है, बहुत शानदार है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एंड I think it's your best work and I'm so proud of you and how you have, you know, you have come a long way and we all are very proud of you. And all my fans, please wish her, I know I'm late, but a happy belated birthday, Kriti. I'll wish you once again. And all my fans, wishing, they're so... कहाँ गए? काली भैया को थोड़ा सा नेटवर्क इशू है और सर आई ये रैप कालीन भैया को लाओ, कालीन भैया को लाओ. But I have to ask you, Kriti, is Pankaj sir notorious on set like a prankster or he's like this calm personality what he is? No, he's not notorious at all. He's a very calm, quiet personality almost on set. He, लेकिन वो सीन में जो निकल के आते हैं ना, उनका सारा notorious portion जो है वो सीन में ही आता है, सीन कर रहे होते हैं. वो Pankaj sir का कभी भी कुछ भी ऐसा इम्प्रोव निकलता है, इम्प्रोवाइजेशन वो करते हैं जिससे आपको एज एन एक्टर वहाँ हंसी आ जाएगी और आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी. तो विद हिम मेरे साथ हमेशा ये होता था कि मुझे, मैं रो रही हूँ सीन में, बट ही वुड गिव सम कॉमिकल एक्सप्रेशन विच विल मेक मी क्रैक अप एंड आई विल हैव टू डू इट अगेन. सो दैट्स द फन ऑफ वर्किंग विद हिम. बट ही इज अ फिनोमिनल एक्टर, वी ऑल नो, एंड आई थिंक ही can play any kind of a character and he, when he does, he adds a little bit of his element to the character, you know, which is... And the good thing is, you know, I was a fan of him since Powder, okay, Powder show aata tha Sony pe, and I always used to wonder, Pankaj sir jaise actors hai, now after internet we are finally getting a fandom for them, matlab people are now appreciating such actors and you know, we see such actors in coming in combination with you and, you know, your camaraderie, your chemistry in the film is very visible. Every film you guys come, there's, you know, aisa dekh ke lagta hai aap dono ko ki you guys are having a blast and that comes in the scene. And I'm sure... But we are having like so much fun. I think mere aur Pankaj sir ki tuning itni achhi hai. Shuru se rahi hai. Phir Bareli ki Barfi mein bhi. Somewhere, you know, we had that chemistry, you would say. इस फिल्म support level इतना ज़्यादा हो गया है and एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के craft को थोड़ा बहुत पहचानते हैं, कौन कैसे करेगा वो हमें पता है कि सामने कैसा आने वाला है ये scene.
एंड हमारे मोस्ट ऑफ आर इम्प्रोवाइजेशंस व्हिच आर नॉट रिटन ऑन पेपर एक्चुअली बिकम फेलियर, यू नो, बिकॉज दे आर सो रियल. लाइक वो क्वेश्चन है जब मैं कहती हूँ कि मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना, एंड ही सेज नो, तो वो नो लिखा नहीं था, डायरेक्ट था, मेरा खराब नहीं होगा, एंड द डॉक्टर से शिल्पा शेट्टी का फिगर खराब हुआ, इतना था सीन. मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना, एंड ही सडनली सेड नो, सो आई टर्न कि तू कर चुका है, एंड सो दैट गो फन राइट. समटाइम्स यू जस्ट गो एंड यू जस्ट इम्प्रोवाइज आउट एंड And you want the director like ये वाला कट डालना आप, ये आया है बढ़िया. And I'm sure जरूरत नहीं पड़ती है यार, वो जो लिखे हुए चीजें नहीं होती है ना, वो जब हो जाती है तो वो मैजिकल लगती है, क्योंकि वो रियल होती है, क्योंकि वो बोला तो मेरा इंस्टिंक्टिवली आया था एज मिमी कि तू कर चुका है क्या, तू क्या बोल रहा है. तो वो एज एन एक्टर अगर आप किसी के साथ काम कर चुके हैं तो ज्यादा आती है. आप यू यू डोंट गेट थ्रोन ऑफ कि अरे ये क्या बोल दिया, ये तो डायलॉग नहीं है, क्यों बोला, ऐसा नहीं होता है. So with him it is that, you know, I've worked with him enough to be comfortable. वो एक सीन है जिसमें जब मैं बोलती हूँ कि मेरे पति ये हैं, इससे शादी की है, उसके बाद अपने रूम में होती हूँ एंड ही एंटर्स एंड ही सेज मम्मी जी फंसा दिया आपने, एंड आई थ्रो थिंग्स एट हिम, आई हैव टू लाइक आई एम एंग्री एट हिम कि मैंने एंड आई थ्रो थिंग्स. अभी He's someone I really respect and I wouldn't like want to hurt him and you know, I have to bottle it him and all. It's scary. So I always wondered how, matlab ye jab aise situation aate hai on set where you have to, you know, sometimes slap a senior actor or do what you are telling me, how difficult is it? You know, I always wonder, kya hota hoga? On the scene, like for example, the slap that I give in the trailer, honestly, maine nahi mara unko. Wo angry. आपको लगा कि मैंने मारा, आवाज डाल दी पीछे, आवाज डाल दी. दो इफ आई हैड टू ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन जो बोलेंगे कि नहीं करो. दैट एक्टर इसमें भी जब मुझे फेंकनी थी उन पर तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप फेंको, क्योंकि अगर आप नहीं फेंकोगे, जोर लगा के नहीं फेंकोगे तो वो दिखेगा, तो ही ताकि किधर भी मार लो. सो तो I did that, but there are some angles, like when you watch the second half, there is one portion where I beat up a motorbike guy, and in that I had to. Yeah. I've, in my life, the only problem was that the camera was going all around, so the camera is going to be where we didn't know. So I had to do it, otherwise it was visible. So I made that. माफी मांगी के सॉरी 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 सॉरी, लेकिन मैं मार रही थी पर मैं टेक सॉरी 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 कर रही थी. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स फॉर द कंटेंट, इट्स फॉर द फिल्म, एंड इफ इट कम्स आउट वेरी वेल, इट्स ऑल वर्थ इट राइट. एब्सोल्युटली. आई वांटेड टू आस्क, आई थिंक पंकज सर वापस डिसअपीयर हो गए. आई विल ट्राई, कैन यू सी हिम? नो ना, मेरे को दिखाई दे रहे बट इट्स अ फ्रीज फ्रेम. सर इफ यू आर सो सॉरी, मैं आपको बीच में भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था. आई विल सेंड यू. सर आप देख रहे हो तो प्लीज आई सेंड यू द इनवाइट अगेन, प्लीज कम. सो कृति, आई आल्सो वांटेड टू आस्क, डू यू फील नर्वस व्हेन अ फिल्म कम्स, लाइक फॉर एग्जांपल दिस फिल्म? डू यू, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस, आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चंस यू नो व्हिच माय फ्रेंड्स आस्क, कि यार सेलिब्रिटीज को ऐसा फील होता है. सी डिपेंड्स ऑन द फिल्म फर्स्टली. अच्छा हाँ, किसी किसी फिल्म का पता होता है कि पता नहीं यू नो कैसा रिस्पॉन्स आएगा. आई कैन ऑल्सो से कि जब थिएटर में फिल्म आती है ना, तब नर्वस क्योंकि वो डे वन का कलेक्शन जो रिपोर्ट कार्ड आना होता है ना वो आता है, तो नर्वसनेस मुझे आई थिंक थिएटर में ज्यादा होती है नर्वसनेस. अभी जैसे ओटीटी पे आ रही थी, आई डोंट नो इफ इफ द रीजन वाज कि ये ओटीटी पे आ रही है और वो कलेक्शन का जो मार्क्स है वो नहीं आएंगे, और वाज इट द फैक्ट दैट आई ऑलरेडी न्यू दैट दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड फिल्म एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड आई वाज कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट आई वाज नॉट नर्वस. I was not nervous for this film. I was talking with. आ गए पंकज सर, आ गए मेरे को दिख रहे हैं. मैं आ गया, मुझे अभी चला मेरे फोन में रात 9:30 का कोई वो स्लीप टाइम है. हाँ हाँ. तो वजह से प्रॉब्लम चल रही. बंद हो गया, हो जा रहा था जबरदस्ती में उसको ब्रेक कर करके ट्राई कर रहा था.
अभी वो खुल, अभी दिख रहा है आपको? अभी सब दिख रहा है एकदम ठीक है, वही प्रॉब्लम थी। मुबारक अगर हो। आपको पता है मेरे को इतना इतनी देर से गिल्ट फील हो रहा है, मैं एक तो क्या कृति इज टॉकिंग टू मी एंड मुझे मजा आ रहा है उनके साथ कॉन्वर्स करने में, बट अ पार्ट ऑफ मी इज लाइक ऑफ कोर्स आई हैव टू मेक श्योर कि सर आप भी हो, आई एम मिसिंग यू कब से, एंड आई एम लाइक क्या करूं मैं, शुड आई हेयर द कॉन्वर्सेशन, अभी पंकज सर सोच रहे होंगे नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपसे मिला, मैं क्या आंखों में आंखें डाले, ग्लिच याद आएगा आपको मुझे, आप देखोगे तो कि ये आशीष आशीष दिखा मनुज, मुझे बस ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ, आ ही नहीं पा रहा हूँ। वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी है ना, मैं रात 9:30 के बाद फोन बंद हो जाता है, तो मुझे ही नहीं मालूम था उसकी वजह से कोई मूड लगा हुआ है। अभी आ गए हैं वो, पूछ लो उनसे जो पूछना है, पूछ मेरे को लो। सुना ही नहीं था, कैन सी हिम, मेरे को तो मेरे साइड से तो अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। पंकज हाँ सर, हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको, यस मैं सुन रहा हूँ। पंकज सर हम बात कर रहे थे, मुझे कृति बता रही थी कि उनको सामान वामान फेंकना था तो वो थोड़ा झिझक रही थी, चलो वो यस दे के कुछ। बात चोट नहीं लगी, थोड़ा एक पैर पे लगा था एक बॉटल, बट वो सीन हो गया, वो अच्छे से हो गया, उस सीन का अच्छा इम्पैक्ट है। हाँ वो सीन अच्छा भी आया बहुत। बहुत अच्छा है, पंकज सर आपके घर पे कैसे फिल्म सबको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगी, सबको बहुत पसंद आई। मतलब मुझे, मैं जानता हूँ फिल्म का हिस्सा हूँ, मुझे भी रोना आ गया क्लाइमेक्स आते आते, जबकि मैं स्क्रिप्ट पढ़ा हूं, मैं किया हूं इनफैक्ट, तो बावजूद बहुत अच्छी, बहुत ही ईमानदार सोलफुल फिल्म है, अपनी फिल्म है, तारीफ तो करना पड़ेगा, बट लकली हमें इस बार झूठी तारीफ नहीं करनी है, अच्छी तारीफ आपकी करनी है। बीवी कैसी लगी? आई रियली वांट टू बहुत नो। अच्छी वो, तो जब वो अंग्रेज आते हैं तो गुस्सा हो गई थी, बोली कैसे कर सकते हैं, मुझसे पूछने लगी लीगल क्या, लीगल लीगल होगा ये, कुछ रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। सो मैं बोला, जबकि उसको मालूम है कहानी, हाँ बात पे वो गुस्सा हो गई थी कि नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है। तो आपने वो प्रोजेक्टर वगैरह पे लगा के दिखाई? नहीं, प्रोजेक्टर का प्रोजेक्ट अभी चल ही रहा है, क्योंकि फिल्म तो 1930 को आनी थी ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्टर लगा रहा था। सुनो मेरी लाइफ की त्रासदी, अभी अभी कभी कि मेरे इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर सब उन 29th को लगाना था प्रोजेक्टर, तो कल तक लग जाएगा। होता है कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बिना बताए आ जाता है बाहर, वो ही हुआ हमारे साथ थोड़ा सा। मैं कोई नहीं, जल्दी बहुत बढ़िया। पंकज सर इधर सब कमेंट करें कि हम तीनों को ना कॉमेडी वीडियो करना चाहिए साथ में, क्या बोलते हो सर? बिल्कुल करना है? चाहिए। तुम जो रहे हो कॉमेडी वीडियो करना चाहिए, तुम्हारे पास डेट्स का है? अरे यार आप ये राज मत खोलो कृति, आप ये राज मत खोलो पब्लिक के सामने। गाइस मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आई विल टेल यू, मेरा एक वीडियो आया है लास्ट वीक, लास्ट महीना, ओटीपी, उसका सेकंड पार्ट मुझे बनाना है, तो मेरे पे प्रेशर आ गया, जैसे आपकी पिक्चर थी मेरे पे भी प्रेशर आ गया, तो मैंने मैडक वालों को बोल के रखा था हाँ हाँ करेंगे, क्योंकि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, पंकज सर होगा एंड यू ऑल्सो, एंड आई वाज लाइक, एंड मुझे पहले से मालूम था ये पिक्चर आने वाली है मिमी, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि कुछ करेंगे, बट कुछ हो नहीं पाया, बट देन आई वाज लाइक आई कांट लीव द चांस टू टॉक टू बोथ ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ द पीपल, सो आई डिड दिस कृति, बट वी विल मेक अ फनी वीडियो और थ्री, अभी नाउ दैट पीपल आर कमेंटिंग दिस ट्रायो सुप्रीमेसी, एंड आई एम श्योर कृति यू हैव ग्रेट कॉमिक टाइमिंग एंड विद पंकज सर एंड मी एंड वी कैन डू समथिंग वेरी क्रेजी। डन डन डन, पंकज सर बिल्कुल। आप करेंगे? सर सर आप तो सर बहुत फनी हो, मुझे मुझे पता नहीं सर, ऐसा लगता है आप छुपे रुस्तम वाले फनी हो सर, आप ये मतलब जो कूल एकदम काम रहते हैं अंदर सर, आपके एक मिस्चीवियस सर प्रैंकस्टर है, मुझे ऐसा फील होता है, सच बोल हाँ रहा है, हूँ कि नहीं, सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। मैं अपने प्रैंक्स तो नहीं? हॉस्टल में बहुत करता था, मुझे याद है कि मैं तो एक हॉस्टल में, मेरे बाजू के कमरे में एक लड़के के रूम दरवाजे के बाहर रात को नींबू और उसमें सुई लगा के और सिंदूर उंदूर लगा के रख दिया था, तो हम तो ऐसी रिकॉर्डिंग वाले करते थे, साउंड स्टूडियो में जाके अलग अलग बातचीत की रिकॉर्डिंग करके, और वो ऐसा किसी के कमरे के बाजू में वो कैसेट प्ले करते थे उसके बारे में बहुत करते थे। लेकिन हाँ ऐसा सही बोला तुमने, तुम सही समझे, बट अब नहीं, अब थोड़ा उम्र के हिसाब से थोड़ा लगा कि अब ऐसा बिहेव करना ठीक नहीं रहेगा, तो नहीं नहीं सर ये तो मत बोलो आप, सर सर आप पे बहुत सूट करेगा, कृति प्लीज टेल हिम नेक्स्ट ये टाइम इज ऑन सेट।
करती है, बट सर आप प्रैंकस्टर टाइप तो हो नहीं, मुझे पूछ रहा था ऐसे, नहीं ये तो बहुत शांत रहते हैं। बहुत पहले था, अभी नहीं। इनफैक्ट वो जब पढ़ता था ना के टाइम पे, ये तब की बात बता रहा था, एनएसडी के हॉस्टल में, पर उसके सारी बाद अब सीन में नहीं। सर पब्लिक कह रही है पंकज त्रिपाठी विल बी अ ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडियन, नीचे से कमेंट आ रहा है सर, आई थिंक हाँ नहीं, हो जाए। यस मैं सहमत हूँ, बिल्कुल लोगों से सहमत हूँ मैं। थैंक्स सर आप बहुत स्वीट हो सर। सर सर। तो गाइस आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप। आई थिंक ग्लिच की वजह से हम भी आई एम हाँ सॉरी थोड़ा ये हो गया। डिले हो गया, बट आई एम ग्लैड वी कुड टॉक, वी कुड हैव दिस। ऑल एसीवियंस हु आर वॉचिंग दिस, प्लीज गो एंड वॉच मिमी ऑन नेटफ्लिक्स एंड जियो सिनेमाज। इट्स अ ग्रेट फिल्म, इट्स अ लवली फिल्म। दीज टू अमेजिंग ब्यूटिफुल एक्टर्स हैव एक्टेड वेरी वेल इन द फिल्म। एंड कृति पंकज सर माय फैंस एसीवियंस आर वॉचिंग एनीथिंग फॉर मैसेज फॉर देम एंड सम लव फॉर देम। यस फॉर ऑल योर फैंस, फर्स्टली तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, हमें सुनने के लिए। और ये फिल्म जो है हमने बहुत प्यार से बनाई है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। जो सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं ये फिल्म। मुझे कल से जो कॉल्स आ रहे हैं, मुझे सब लोग कॉल करके बोल रहे हैं अरे रुको रुको माई मॉम वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। तो यू नो बहुत दिस फिल्म दैट सो मेनी पीपल आर वॉचिंग पेरेंट्स किड्स एंड इन दीज टाइम्स दैट वी आर इन, यू नो एक एक ऐसी फिल्म जो हम पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सकते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि फिल्म थिएटर में जब लगती थी तो एक फैमिली इवेंट होता था, एटलीस्ट फॉर माई फैमिली। दिल्ली में मुझे याद है हम लोग एक प्रोग्राम बनता था कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं जाना नहीं है, ये एक्चुअली वैसी फिल्म है जिसमें आपको कहीं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा कि आप एंड इट्स समथिंग दैट विल मेक यू लाफ, इट विल मेक यू क्राई। मैं ऐसा लगता है आई विल एडवाइज यू टू कीप सम टिश्यू पेपर्स विद यू, बिकॉज रुलाएगी पर फिर हंसाएगी। पंकज सर कुछ नहीं, आपके सभी चाहने वालों को, प्रेमियों को मेरा बहुत सारा प्रेम। हाँ मैं मुझे फैंस नहीं बोलता हूँ, मैं चाहने वाले बोलता हूँ, प्रेमी बोलता हूँ, मुरीद बोलता हूँ। सो उन सबको मेरा बहुत सारा प्रेम, ऑल द बेस्ट। और हम करेंगे कभी ना कभी वीडियो तो बनाएंगे ही साथ में हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो पंकज सर कृति आई हैव टू टेल यू माई डैड इज अ सिनेमा एग्जिबिटर ओ मल्टीप्लेक्स। तो ओ उन्होंने कहा था पिक्चर देखने के बाद कि ये पिक्चर 150 करोड़ इस पिक्चर का बॉक्स ऑफिस होता था अगर ये पिक्चर रिलीज होती थी थिएटर। मैं आपको बता रहा हूँ इतनी अच्छी पिक्चर, मेरे डैड ने इतनी तारीफ की, मुझे कहा कि वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बाय मैडक, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस बाय कृति सैनन एंड वन ऑफ द बेस्ट बाय पंकज सर। सो इतनी अच्छी है आपकी फिल्म एंड आई वुड प्रे दैट दिस मूवी डज वेरी वेल ऑन ओटीटी एंड इट गोज वायरल। यानी एंड लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 24 घंटों में इतनी तारीफें मिल गई है, इतना प्यार मिल गया है कि हम्बल महसूस कर रहे हैं हम लोग, पूरी टीम। सो थैंक यू सो मच उन सबका जो फिल्म देखे, पसंद किए, चाहे। और आपके पापा को नमस्ते मेरा बोल देना, हम दोनों का थैंक यू थैंक यू शुक्रिया। एंड शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल द फैंस हू आर हियर। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं बहुत लोग और काफी लोग लग रहा है कि देख ली है जो बहुत अच्छा लग रहा है। और जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज गो जियो एंड से वॉच और नेटफ्लिक्स जो एंड सब प्लेटफॉर्म। कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ। एवरीबॉडी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हैव वॉच्ड इट, दे आर ऑलरेडी लविंग इट। तो थैंक थैंक यू गाइस हु हैवंट वॉच्ड इट, प्लीज वॉच इट। थैंक यू कृति, थैंक यू पिताजी, पंकज सर, टॉकिंग टू यू बोथ ऑफ यू, थैंक बाय यू सर, बाय बाय दोस्त, बाय। गुड नाइट गुड नाइट।